नमस्कार दोस्तों, लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में इंटरव्यू में सफलता पाने के कुछ सरल उपाय मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। देखिए, मेहनत और प्रयासों का कोई विकल्प नहीं होता। बिना मेहनत और सही प्रयास के बिना सफलता नहीं मिलती। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ईमानदारी से कठिन परिश्रम करने के बावजूद आपको सफलता नहीं मिलती। आप अपनी तरफ से पूरे 100% एफर्ट्स डाल रहे हैं, लेकिन काम होते होते रुक जाता है। इसे ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि कहीं ना कहीं आपके भाग्य में कोई रुकावट आ रही है। तो कुछ ऐसे उपाय मैं आपके साथ, सरल उपाय हैं, अगर आप इसको श्रद्धा और विश्वास से करेंगे तो जरूर आपको सफलता मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है, इस वीडियो में मैं आपके साथ जो उपाय शेयर कर रहा हूं, वो अलग-अलग विभागों में आप अगर नौकरी चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको अलग-अलग उपाय दे रहा हूं। इससे पहले कि मैं आपके साथ उपाय शेयर करूं, मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर उसे सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को पुश करना ना भूलें, ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सबसे पहले मैं प्रारंभ कर रहा हूं, अगर आप शिक्षा क्षेत्र में नौकरी चाहते हैं, अगर आप शिक्षा क्षेत्र में नौकरी चाहते हैं तो जिस दिन इंटरव्यू होगा उस दिन सुबह उठकर गायत्री मंत्र का 9 बार जाप करें, भगवान को भोग लगाएं। आप जिस भी भगवान को मानते हैं उसको आप भोग लगा सकते हैं। भोग लगाने के लिए लड्डू का प्रयोग करें, ये लड्डू बेसन के लड्डू होंगे, और एक लड्डू का सेवन आप खुद भी करें। इस दिन कोशिश करिए कि अगर हो सके तो हल्के पीले रंग की शर्ट पहने, और अगर आप शर्ट नहीं पहन सकते तो कम से कम पीले रंग का रुमाल अपने पास जरूर रखें। अगर आप मीडिया, कला या संगीत क्षेत्र में नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं और आपका इंटरव्यू है, उस दिन सुबह उठकर माँ सरस्वती को सफेद फूल अर्पित करें, और इसके बाद माँ सरस्वती के कोई भी मंत्र का आप जाप करें। इस दिन या तो आप सफेद कलर की शर्ट डालें या गुलाबी कलर की शर्ट डालें, और अगर आप शर्ट नहीं डाल सकते तो इसी कलर का आप रुमाल अपने पास रख लें। घर से निकलते हुए दही में थोड़ी सी चीनी मिक्स करके खा लें आप। अगर आप किसी तकनीकी क्षेत्र में नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा उस दिन सुबह उठकर भगवान शनिदेव का कोई भी मंत्र, और सबसे आसान मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः, आप उस मंत्र का 108 बार जाप करें। भगवान को आप लौंग चढ़ाएं। अगर आपके घर में शनिदेव की फोटो भी है तो आप उस पे भी अर्पित कर सकते हैं, अदरवाइज आप जिस भी भगवान की पूजा करते हैं आप वहां पर भी लौंग चढ़ा सकते हैं। इंटरव्यू में काले रंग की पेंट डालिए, और या फिर इसी रंग का आप रुमाल रख सकते हैं, और जो लौंग आपने भगवान को अर्पित की थी वो लौंग आप जरूर खा कर निकलें। अगर आप मार्केटिंग क्षेत्र में नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो सबसे अच्छा रहेगा सुबह सुबह आप भगवान गणेश की पूजा करें, उनको दूब घास अर्पित करें, और हल्के हरे रंग की शर्ट पहने या इसी रंग का रुमाल अपने पास रखें। और इसके अलावा अगर आपको इस दिन कोई भी किन्नर मिल जाए तो आप उसको अपनी तरफ से कुछ कुछ भी पैसे जो आपकी सामर्थ्य के अनुसार हैं वो जरूर दें, आपके नौकरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसी तरह से अगर आप कोई प्रशासनिक सेवा या न्यायिक सेवा के लिए ट्राई कर रहे हैं तो सबसे पहले सुबह उठकर भगवान सूर्य को जल अर्पित करें, हो सके तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने के अलावा अगर आप पाठ नहीं कर सकते तो आप YouTube पर या आपके पास
अगर इसकी MP3 है तो आप उसको भी सुन सकते हैं। सफेद कलर की आप शर्ट पहनेंगे या इसी कलर का रुमाल रख लीजिए। घर से निकलने से पहले गुड़ खाकर निकलें तो आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। सपोज जो मैंने ऊपर शेयर किए आप उसके अलावा किसी और क्षेत्र में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप भगवान को, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, सुबह उनको लड्डू का भोग चढ़ा कर जाएं। उसके बाद आप 108 बार ओम गणेशाय नमः का जाप करें। पीले रंग का रुमाल आप अपने साथ रख सकते हैं या हल्के पीले रंग की शर्ट डाल सकते हैं, और घर से निकलने से पहले जो लड्डू का भोग लगाया है उसमें से थोड़ा सा टेस्ट ज़रूर कर जाएं। तो कुछ उपाय मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर आप इन उपायों को श्रद्धा और विश्वास से करेंगे तो ज़रूर आपको सक्सेस मिलेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, मेहनत और प्रयास जब तक आपकी तरफ से कंटिन्यू नहीं होगा तब तक इन उपायों का फायदा नहीं होगा। ये उपाय तब काम करते हैं कि जब आप अपनी तरफ से पूरा एफर्ट डाल रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं कोई रुकावट आ रही है आपके भाग्य में। इसके अलावा अगर आप कोई स्पेसिफिक कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर वो कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।